हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बना के बताऊंगी। ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है। इस डिज़ाइन को आप ये बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं, कार्डिगन में या फ्रॉक बना रहे हैं टॉप पे, ये आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं आप। लेडीज जेंट्स किसी की भी ये स्वेटर या जैकेट पे ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और बैक साइड से ऐसा दिखता है। ये 6 के मल्टी में हमने फंदे लिए, एक एक्स्ट्रा फंदा लिया है। मैंने ये डिज़ाइन बनाकर उसके बाद 3-4 सिलाई निकाल ली है। अगर आप चाहें तो इसे इतनी चौड़ा भी बनाकर उल्टी सीधी सिलाई निकाल कर यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। जैसे ये डिजाइन को अगर छोड़कर आप यहाँ इतनी चौड़ी बनाकर सीधी उल्टी सिलाई निकाल कर यहाँ डिजाइन ऐसे बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो ये अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने 6 के मल्टी में 30 फंदे लिए हैं और एक एक्स्ट्रा फंदा ले लिया है। 31 फंदे मैंने लिए हैं। तो डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। हमारी ये सीधी साइड है, राइट साइड, पहली रो। एक फंदा हम पहले ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद पूरी रो को सीधा बुनेंगे। तो ये पहली रो में सीधी पूरी बनाकर फिर आपको उल्टी साइड से डिजाइन बनाना बताऊंगी, क्योंकि ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से बनेगा। अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं दूसरी रो पे। पहला फंदा हम एस स्टिच का उठा लेंगे, उसके बाद ये पांच फंदे हमें 3 बार उसके ऊपर राउंड में फंदा बनाना है हमने। कैसे मैं आपको बता देती हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार, एक हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये 2 हो गए, 1 बार 2 बार फिर 3 बार, 3 राउंड किए हमने, 3 बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार राउंड किया, तो ये चौथा फंदा हो गया। अभी हमारा पांचवा फंदा, 1 बार 2 बार तीसरी राउंड, तो ये हमारे 5 फंदे हो गए, और छठा फंदा हम सीधा बोल लेंगे। तो यहाँ से लेके हमारे 5 फंदे तो हमने 3 राउंड में बनाए, 1 फंदा सीधा बोना। अब फिर 5 फंदे राउंड में बनाएंगे हम, 1 2 3, एक फंदा हो गया, 1 2 3, 2 हो गए, 1 2 3, 3 हो गए, 1 2 3 4, और ये पांचवा फंदा राउंड में 3 बार करेंगे, 2 3, और छठा फंदा हम सीधा बोल लेंगे। फिर 5 फंदे हम राउंड में 3 बार बनाकर बनाएंगे, 1 2 और ये 3, 1 बार 1 बार 2 बार 3 बार, 2 फंदे हो गए, 1 बार 2 बार 1 बार 2 और ये 3, तो 3 फंदे हो गए हमारे, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, 4 हो गए, फिर ये 5, 1 2 3, ये 5 हो गए, और छठा फंदा हम सीधा बोल लेंगे। तो ये पूरी रो हमारी यहाँ तक ही ऐसे ही बनेगी जैसे ये मैंने बनाया है। तो लास्ट का फंदा हमारा उल्टा बनेगा, तो बाकी फंदे हमारे जैसे ये मैंने बनाए 6 फंदे हमें ऐसे बनाने हैं। यहाँ तक बनाकर आपको फिर मैं तीसरी सिलाई पे सीधी साइड्स में बताती हूँ। अब हम तीसरी सिलाई पे अब हम रो 3 पे आ गए हैं। तो रो 3 राइट साइड है, तो इसे हमें क्या करना है। तो पहला फंदा हम
एस टिच का उठा लेंगे, उतार लेंगे। उसके बाद इन पांच फंदों को स्लिप कर लेंगे, दो तीन ये चार और ये पांच, पांचों को उतार लिया। अब इनके ऐसे राउंड कर लेंगे, पहले इन पांचों को यहाँ उतार लेंगे एक बार, ऐसे करना है। फिर वापस इसी सिलाई में उतार लेंगे इन पांचों को, फिर दोबारा से ऐसे करके फिर सिलाई में से उतार लेंगे। तो दो बार ऐसे हमने राउंड में इसे ले लिया। अब इस सिलाई में लिख के जो ये फंदा हमारा उल्टा है इसे उल्टा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बोल लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर पांचों को स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन चार। तो इन फिर पांचों के जैसे राउंड इस दो बार हमने किया, इसके पांचों पे राउंड कर लेंगे हम, तीन दो चार ये पांच, ये पांचों के पहले धागे को अपनी तरफ कर लेंगे ऐसे, फिर इन पांचों को इस सिलाई में उतार लेंगे ऐसे, फिर वापस धागा इधर कर लेंगे, फिर इस सिलाई में इन पांचों को उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर इन पांचों को इस सिलाई में उतार कर धागे को उस तरफ कर लेंगे। तो ये दो राउंड में हमारे हो गए, इसे फिर दोबारा इस सिलाई में ले लेंगे, थोड़ा इसे टाइट कर लेंगे, फिर ये धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बुन लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, इन पांचों को स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर इन पांचों को इस सिलाई में ले लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ कर देंगे, फिर पांचों को इस सिलाई में ले लेंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर इन पांचों को इस सिलाई में ले लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर पांच को इस सिलाई में वापस ले लेंगे। अब हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये उल्टा बुन लेंगे। ये रो भी हमारी पूरी ऐसे ही बनेगी, धागा दूसरी तरफ करके पांचों को स्लिप कर लेंगे, ये जो तीन राउंड में हमने लगाया था इन्हें ऐसे उतार लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इन पांचों को इस सिलाई में उतार लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर इन पांचों को इस सिलाई में ले लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर इन पांचों को इस सिलाई में ले लेंगे और धागा दूसरी तरफ करके दोबारा से इन पांचों को इस सिलाई में ले लेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा फंदा है इसे उल्टा बन लेंगे। तो ये सिलाई पूरी करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम पाँचवीं रो पे आ गए हैं उल्टी साइड से, तो हमें क्या करना है, ये सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। एक दो ये तीन ये चार और ये पांच, पांच फंदे जो ये वाले थे और एक फंदा जो उल्टा बुना था इसे भी सीधा बुन लेंगे, फिर ये पांच फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन ये चार और ये पांच, और ये उल्टा फंदा इसे सीधा बुन लेंगे, फिर ये एक दो तीन चार और ये पांच, इस उल्टे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, फिर इन पांचों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो ये पूरी सिलाई सीधी ही निकलेगी निकाल कर, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ।
तो ये रो हमारी चार पूरी हो गई है, तो ये डिजाइन ऐसे बन गया है, देख सकते हैं। और अब इस पांचवी रो को हम सीधा ही बनाएंगे, पूरी रो सीधी बनाएंगे, एक रो, ये पूरी रो सीधी बना लूं, ये पूरी रो सीधी बनेगी, अब हम छठी रो पे आ गए, छठी रो हमारी सारी उल्टी बनेगी, आप जो ये सीधी उल्टी सिलाई, कितनी सिलाई आप चौड़ा अपने बनाकर फिर इसी डिजाइन को शुरू करना है वो आपकी मर्जी है। तो मैं दो सिलाई तो मैंने उल्टी सीधी निकाल ली है, चार सिलाई और निकाल के फिर ये डिजाइन बनाऊंगी। तो ये फिर डिजाइन बनाऊंगी, तो ये डिजाइन ऐसे दिखेगा। तो मैं चार रो और सीधी उल्टी और बनाकर फिर ये डिजाइन शुरू करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा। तो ऊपर मैंने ये तीन सिलाई निकाल ली है, आप जितनी सिलाई निकाल के दोबारा डिजाइन बना सकते हैं। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।